कीमतों में जहां बढ़ोतरी की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, तो वहीं किसान संगठनों ने अपने असंतुष्टि जाहिर की, नाखुशी जाहिर की है। गुरनाम सिंह चढ़ूली ने रेट में बढ़ोतरी को शर्मनाक बताया और उन्होंने कहा कि जारी रहेगा गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन, गन्ना कीमतों में बढ़ोतरी को नाकाफी बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसी उम्मीद की जा रही थी उसी तरह का रिएक्शन जो है वो किसानों की तरफ से आया, किसान संगठनों की तरफ से आया है। और नाखुश किसान संगठन इस फैसले से, सरकार की तरफ से जो 10 रुपए बढ़ाए गए हैं गन्ने के दामों में, उससे नाखुश है किसान संगठन। किसान नेताओं ने ये अपील की है, एक बार फिर से अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए ये कहा है कि किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक गन्ने की कीमतों में उचित इजाफा नहीं हो जाएगा, जारी रहेगा गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूली ने इस बात का ऐलान किया है और नाखुशी जाहिर की है, अपनी नाराजगी जताई है। गन्ने की कीमतों में जो इजाफा किया गया सरकार की तरफ से, 10 रुपए का इजाफा किया गया है, लेकिन उस पर गुरनाम सिंह चढ़ूली ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा और अपनी मांगों को लेकर के किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि मनोहर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, 10 रुपए जो दाम है वो इजाफा किया गया गन्ने के दामों में। साथियों नमस्कार। साथियों, गन्ने का शर्मनाक रेट बढ़ाया गया है। खट्टर साहब ने मात्र 10 रुपए की घोषणा की है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं और सरकार की निंदा करते हैं इस पे कि ये किसान विरोधी सरकार है। और साथियों, जैसे पहले प्रोग्राम दिए गए थे कल तक वैसे ही प्रोग्राम आपने जारी रखने हैं और कल 11 बजे सभी शुगर मिलों से 5-5 प्रतिनिधि सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में 11 बजे पहुंचे। अगले जो फैसला है वो सभी मिलके लेंगे और 5-5 प्रतिनिधियों के अलावा अगर कोई भाई अपनी बात रखना चाहता हो, माइनस की प्लस की जिस तरह की भी रखना चाहता हो, तो वो कोई भाई भी आके अपनी बात रख सकता है मीटिंग के अंदर। सैनी धर्मशाला कल 11 बजे सभी शुगर मिलों के प्रतिनिधि वहाँ, 5-5 प्रतिनिधि सब वहाँ पे जरूर पहुंचे और कल की